हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन या विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन, बीकॉम एमकॉम पास आउट फ्रॉम एचयू एंड नेट जेआर क्वालिफाइड। दोस्तों, जो आज अपना ये पार्ट 7 वीडियो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि आपके ऑल इंडिया बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस एंड आपके कैश 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या बोलते हैं प्लानिंग के ऊपर डिस्कस किया था। एक टॉपिक एक छोटा सा जो छूट गया था, जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ प्लान। दोस्तों, ये आपके बीकॉम एंट्रेंस एमकॉम एंट्रेंस साथ ही साथ आपके कैश 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग नेट जेआर की तैयारी करें तो ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये टाइप्स ऑफ प्लान होता क्या है, ठीक है, एंड क्वेश्चन कैसे पूछा एग्जाम के अंदर, आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कितने प्लान होते हैं, कितने टाइप्स के प्लान होते हैं, तो देखिए, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, प्रोग्राम, मेथड्स एंड बजट। अब एक तो और होता है प्रोजेक्ट, ठीक है, तो उसको भी हम लोग प्लानिंग कहते हैं, बट आपके बुक में नहीं दिया होगा। ठीक है, पहले हम लोग इनके मतलब सीखेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है, क्योंकि इनके मीनिंग से भी क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, ये ऑब्जेक्टिव होता क्या है, ठीक है, आप समझिएगा इसको। या तो कोई गोल हो, एम हो, पर्पस हो, अचीव ओवर टाइम, आपने कोई गोल, एम या फिर पर्पस जिसको आपको टाइम के हिसाब से अचीव करना है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। इट मे बी शॉर्ट टर्म, इट मे बी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टाइम भी हो सकता है। गोल आपका हो गया, एम हो गया, पर्पस हो गया, जिसको आप टाइम के हिसाब से अचीव करना चाहते हैं, जिसको आपने सेट किया है आप उसको अचीव करना चाहते हैं किस टाइम के अंदर, चाहे वो क्या बोलते हैं शॉर्ट टाइम हो, चाहे वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। अब ये स्ट्रैटेजी होती क्या है, मैं आपको ही बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, स्ट्रैटेजी, कंप्रिहेंसिव प्लान, मतलब आपने बहुत डिटेल में प्लान बनाया है फॉर गिवन प्रॉब्लम, मतलब आपने किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई है, रणनीति बनाई है। सपोज की कबड्डी का मैच है, आप कोई सामने बंदा बहुत अच्छा कबड्डी खेलता है, तो आपने उसको हराने की एक स्ट्रैटेजी बनाई है, रणनीति बनाई है, तो कंप्रिहेंसिव प्लान, आपने बहुत सारे प्लान बनाए किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। इस वर्ड को याद रखिएगा, कंप्रिहेंसिव, फ्रॉम कंप्रिहेंसिव प्रॉब्लम टू सॉल्व गिवन प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं पॉलिसीज। अब ये पॉलिसीज क्या होती है, जैसे LIC की पॉलिसी होती है ना, जस्ट लाइक दैट, ये भी वही होता है, जनरल स्टेटमेंट, कोई भी जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड मैनेजर डिसीजन, जिनकी मदद से हम लोग मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन लेते हैं। भैया गाइडलाइन, पॉलिसी मतलब कंपनी की नीतियां, ठीक है, जिनकी मदद से हम लोग बिजनेस के अंदर डिसीजंस लेते हैं, उसको बोलते हैं पॉलिसी। ठीक है, अब आते हैं प्रोसीजर। अब ये प्रोसीजर क्या होता है, मतलब कोई भी प्रक्रिया, ठीक है, तो सीरीज ऑफ क्रोनोलॉजिकल स्टेप, ये वर्ड रखिएगा, सीरीज ऑफ क्रोनोलॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप विच आर परफॉर्म टू डू एक्टिविटी, जो हम लोग करते हैं किसी एक्टिविटी को करने के लिए। जैसे हमको प्रॉफिट लॉस बनाना है, तो हमको सबसे पहले जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी, बुक कीपिंग, जनरल एंट्री, ट्रेडिंग, उसके बाद PL बनेगा। तो ऐसे नहीं कि आप सीधे प्रॉफिट लॉस बना देंगे, तो वो पूरा उसका प्रोसीजर होता है। तो क्रोनोलॉजिकल स्टेप बाय स्टेप, किसी स्टेप को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं रूल के ऊपर। रूल क्या होता है, नियम, स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट टेल पीपल व्हाट टू डू, व्हाट शुड नॉट डू, मतलब रूल, मतलब आपको ये बताते हैं कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट एकदम स्पेसिफिक है, आपको ये बताते हैं कि आपको करना है, कि आपको नहीं करना है। ठीक है, इसके अंदर कुछ डिफाइन नहीं है, मतलब आपको बोल दिया गया कि सपोज स्कूल के अंदर क्या बोलते हैं टाइम पे आना है, तो टाइम पे आना है, मतलब लेट नहीं आना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपको बता देता है रूल, ये आपके टाइप्स ऑफ प्लान के अंदर आता है। ठीक है, अब आते हैं प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, मिक्सचर ऑफ प्रोसीजर, पॉलिसी एंड रूल, इन तीनों का मिक्सचर होता है प्रोग्राम। ठीक है, इन तीनों को मिक्स कर दीजिए तो उसको कहते हैं प्रोग्राम। ठीक, अब आते हैं मेथड्स के ऊपर, वे ऑफ डूइंग रूटीन या फिर रिपीटेटिव इंस्पेक्टिव जॉब, यहाँ पे रिपीटेटिव नहीं है, इंस्पेक्टिव जॉब है। ठीक है, तो वे ऑफ डूइंग, किसी भी रूटीन के काम को करने में या फिर किसी काम को करने के लिए जो उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका मेथड, किसी भी काम के करने के तरीके को बोलते हैं मेथड, वे ऑफ डूइंग रूटीन जॉब या फिर रिस्पेक्टिव जॉब। ठीक दोस्तों, आते हैं बजट। अब ये बजट क्या होता है, आपने बजट तो जानते ही आप। ठीक है, एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर नीड्स, फ्यूचर में आपको क्या नीड है उसके आप पहले से प्रिपरेशन कर देते हैं, आप पहले से बजट बना देते हैं कि आपको फ्यूचर में कितना खर्चा करना है, फ्यूचर में क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अभी से प्रिपरेशन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं बजट। ठीक दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे आपने 8 टाइप के प्लान देखे हैं, टाइप्स ऑफ प्लान। तो दोस्तों आपको ये जो मैंने लिखा है इसके वर्ड्स को याद रखना है। ठीक है, पूछ देगा आपसे कि क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स, ठीक है, कौन सा प्लान है ये जिसके अंदर क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स होते हैं। दोस्तों ये आपका प्रोसीजर है,
पूछ देगा किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा प्लान यूज करते हैं, तो स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर जनरल स्टेटमेंट है तो वो कौन सा प्लान है, वो है पॉलिसी। पूछ देगा मिक्सचर ऑफ प्रोसीजर पॉलिसी एंड यूज, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, पूछ देगा एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर नीड्स, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका बजट कहते हैं। दोस्तों जितना भी मैंने याद नहीं की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में अगर आ गया तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बहुत कठिन होता जा रहा है, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिकल बेस पूछता है, ठीक है, आपको इसके मीनिंग से क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो आप लोग हम लोग के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पे आपको इसके पीडीएफ के नोट्स के साथ में अदर पीडीएफ नोट्स और इंडिया बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस के पेपर, साथ ही साथ आपके बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी के लिए, बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी के लिए आपको बहुत सारे नोट्स वहां पे अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो जाइए और जाके ज्वाइन कीजिए। ठीक, अब आते हैं हम लोग दोस्तों एक और चीजें जो पूछता है इससे, स्टैंडिंग प्लान आपका होता है सिंगल यूज प्लान, नॉन स्टैंडिंग नॉन सिंगल यूज प्लान। अब ये स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, देखिए स्टैंडिंग प्लान मतलब यूज अगेन एंड अगेन, नाम सकता है कि एक बार है बट ऐसा नहीं है, अगेन एंड अगेन, जिस प्लान को आप लोग दोबारा 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 मतलब बार बार यूज कर सकते हो, आपको बस याद रखना है कौन सा स्टैंडिंग है कौन सा स्टैंडिंग नहीं है। तो आपका पॉलिसी प्रोसीजर मेथड्स एंड यूज, ये आपका स्टैंडिंग प्लान है, जिसको आप अगेन एंड अगेन एक ही प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हो, जो प्रॉब्लम बार बार आती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टैंडिंग प्लान का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं सिंगल यूज प्लान मतलब वन टाइम यूज, जिसको हम लोग वन टाइम, ठीक है, या फिर किसी स्पेसिफिक, ये दोस्तों ये वर्ड रखेगा स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो एक अनोखी प्रॉब्लम है एकदम अलग से आई है उसको यूज करने के लिए कहते हैं, वो कौन सा प्लान यूज करते हैं, तो बजट प्रोग्राम या फिर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट यहाँ पे दोस्तों एक अलग से वर्ड आ गया है, ठीक है, आपके बुक्स में नहीं दिया है बट ये आपका क्या है, सिंगल यूज प्लान है दोस्तों। ठीक है, हमने देखा स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान, ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो कि ना ही स्टैंडिंग है ना ही सिंगल यूज प्लान है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी आपके ना ही स्टैंडिंग है ना ही सिंगल यूज प्लान है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, उसके मीनिंग से कौन सा स्टैंडिंग है कौन सा स्टैंडिंग नहीं है, कौन सा स्टैंडिंग और नॉन स्टैंडिंग नॉन यूटिलिटी प्लान है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बहुत ही आसान टॉपिक था, टॉपिक छूट गया था इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया, अब बहुत जल्दी हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा, क्योंकि हम आपको आपके बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करवाए हैं। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप लोग चाहें तो जाके उसको देख सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस हो गया, अकाउंटेंसी की भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।